नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का जो अपेंडिसिप है वो आपका 2020-21 सेशन में आपको देखने को आया था, और इसका फाइनली कुछ दिन पहले दो डिवीजन का मेरिट लिस्ट जो है अपेंडिसिप के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग वो पब्लिक कर दिया था। पहला था कंचनापारा, दूसरा कोई और एक डिवीजन था। तो दो डिवीजन का मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग पब्लिक कर दिया था, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको दिया था। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे में जितने भी डिवीजन आते हैं, बात करें लिलुआ का, हावड़ा का, जमालपुर का, आसनसोल, मालदा, सारे डिवीजन का मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बिल्कुल गुड न्यूज़ है सभी आईटीआई वाले के लिए कि आपका जो मेरिट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग वो पब्लिक कर दिया गया। तो चलिए एक एक करके सारे डिवीजन का मेरिट लिस्ट देखेंगे। और बात रहा कि आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, तो देखिए आरआरसी के ऑफिशियल साइट पे जाके नोटिस बोर्ड पे जाओगे तो आप इसका जो भी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग वो डाउनलोड कर सकते हो। जो टोटल आपका बात करें तो 3666 पोस्ट पे इसका वैकेंसी जो निकाला गया। तो चलिए सीधे हम मेरिट लिस्ट पे चलेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से जुड़ी अपेंडिसशिप की नोटिफिकेशन हर टाइम आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा लिंक, उसका जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि छोटे मोटे अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिलुआ डिवीजन का। अगर आपका नाम आया होगा या फिर आप अप्लाई किए होंगे तो हमें जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरिट लिस्ट पे, जिसका डाउनलोड का जो लिंक है ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। पर पहले नोटिफिकेशन को पूरा समझ लीजिए कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, क्या क्या मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, और अदर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिलेवेंट अपने साथ लेकर जाना है। मेरिट लिस्ट देखने से पहले जो आपका ईस्टर्न रेलवे की तरफ से सभी डिवीजन के कैंडिडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे रिलीज किया गया, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो 27 तारीख के डेट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अपेंडिसिप 2022-21 योग्य उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण सूचना। क्या सूचना आप लोग सभी देख लीजिए कि इन्फॉर्म डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप ऑफ ट्रेनिंग इन डिजिग्नेटेड यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे इन टर्म्स ऑफ एक्ट अपेंडिसिप 1961 एंड अपेंडिसिप रूल 92 अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर आपको बता दिया गया है जो भी रहा। इस शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन, देख लीजिए कब से आपका शेड्यूल है, फ्रॉम 10 अगस्त से आपका शेड्यूल चलेगा 18 अगस्त तक एट लिलुआ वर्कशॉप। लिलुआ वर्कशॉप में आपका 10 से लेकर 18 अगस्त तक आपका चलेगा फॉर लिलुआ एंड हावड़ा, एंड 29 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपका जमालपुर में चलेगा, जमालपुर में, ठीक है, जिसमें आपका जमालपुर, आसनसोल और मालदा सारे डिवीजन को कवर करेगा। एज पर शेड्यूल फाइनलाइज्ड बाय दिस यूनिट द शेड्यूल इज अटैच विद इन दिस नोटिस। सारा कुछ आपको जब आप इसका ऑफिशियली देखोगे मेरिट लिस्ट उसमें भी आपको बताया गया है। पर आपको समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया गया है कि कौन से डिवीजन का कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेन्यू कहाँ है, कहाँ आपको जाना है, वो आपको मेरिट लिस्ट में बताया गया है। कब से डाउनलोड होगा वो देख लिए थी। कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउनलोड बाय द कैंडिडेट फॉर लिलुआ वर्कशॉप फ्रॉम 29/7 से आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको जरूर से जरूर नोटिफिकेशन जो चल जाएगा। और 18 अगस्त तक आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा 10:30 बजे के बाद से। एड जमालपुर का जो है वो आपका 31 तारीख से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो 15/9 तक आपका डाउनलोड होगा 9:30 बजे से, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दी लिंक। बिना ई कॉल लेटर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, जो इसके आपका ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या, आप सीधे चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या बोला गया। सेम आपका नोटिस को हिंदी में भी दे दिया गया है, जो लोग हिंदी से पढ़ना चाहते हैं वो लोग हिंदी से अपना पढ़ सकते हैं। बात रहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवार को क्या निर्देश दिया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको बिना कॉल लेटर का नहीं जाना है, ये बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है, ये बात भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपको कि बिना कॉल लेटर का वहाँ पे आपको परमिशन एंट्री का नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना। तो सबसे पहले 10 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स विच कैन बी हेड अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग। जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तो 10 कॉपी उसका फोटोग्राफ्स लेके जाना है, और 2 कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फॉर अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर अलोंग विद द ओरिजिनल ऑफ द सेम। मतलब दो दो सेट आपको सारे डॉक्यूमेंट का किसी सरकारी स्कूल के या फिर गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के जाना है। अटेस्टेड करवाने का मतलब होता है कि उनका सारे पेज में साइन लेकर जाना है। उसके बाद बात करेंगे
नेक्स्ट आपका एडमिट कार्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का लेके जाना है और एडमिट कार्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई एग्जामिनेशन का लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप बिलोंग करते हो एसटीएससी ओबीसी वो आपको लेकर जाना है। और बात करते हैं सर्टिफिकेट एज पर दी रिजर्वेशन क्लेम एफ एन वाई अप्लाइंग ऑनलाइन जो भी आप अप्लाई किए थे वोटर आईडी आइडेंटिफिकेशन कार्ड आप लेके जा सकते हो बोथ साइड का। उसके बाद अगर आपका आधार कार्ड है तो वो लेके जा सकते हो, पैन कार्ड है तो वो लेके जा सकते हो। कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट इन टू सेट दैट इज विल कंटेन वन कॉपी ऑफ दी एवर मेंटेन डॉक्यूमेंट। तो आपको जो अटेस्टेड करवाकर सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाना है गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि पहले पृष्ठ में लिखित नाम जानकारी ही तो प्रस्तुत करनी चाहिए, ये तो इस पेज को आप सही से पढ़ लोगे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र पदाधिकारी के पिन कोड के साथ ही आपको होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये सारा छोटे मोटे आपको यहाँ पे जानकारी दिए गए हैं जाने से पहले, क्योंकि ये सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद आप फिर फंस जाते हो, ये सारी चीज पता नहीं होती है। तो आप चलिए चलेंगे सीधा हम आपका लीवा वर्कशॉप के मेरिट लिस्ट पे और वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है पर कोई बात नहीं, सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए उनका मेरिट लिस्ट दिखाना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम आ गए, सबसे पहले आपको बोलेंगे तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट द स्लॉट ऑफ एक्ट ऑफ एंडिसिप 2021 अलॉटेड टू लीलुआ वर्कशॉप फॉर देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपको कहाँ वेन्यू है वो आपको नोट कर लेना है, कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेन्यू आपका है ऑफिस ऑफ द वर्कशॉप पर्सनल ऑफिस ईस्टर्न रेलवे लीलुआ, आपको 11 बजे सुबह से जाना है, जहाँ पे आपको नाम रजिस्ट्रेशन नंबर नेम ट्रेड डीवी डेट और डीवी आपका सेशन जो है कौन सा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको 10 अगस्त से यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट है, 10 अगस्त से आपको कितना बजे जाना है 11 बजे। वेन्यू देख लीजिए, वेन्यू एक बार फिर से ऑफिस ऑफ द वर्कशॉप पर्सनल ऑफिस ईस्टर्न रेलवे लीलुआ, ये आपका टाइमिंग 11 बजे से जाना है। बात करें टोटल कैंडिडेट जितने सेलेक्ट किए गए हैं तो 304 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है ट्रेड वाइज, जो भी आप ट्रेड से अप्लाई किए थे, जो भी ट्रेड पर वैकेंसी निकला था उसमें, इसमें मैन वोमेन सारे के लोगों का दिया गया है, ठीक है। तो 304 आपका यहाँ से सेलेक्टेड है लीलुआ वर्कशॉप से। नेक्स्ट वर्कशॉप से देखते हैं कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट में बात करें तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट दिस स्लॉट ऑफ अपेंडिसिप एक्ट आपका आसनसोल डिवीजन का है, जो आपका जमालपुर के अंतर्गत आता है। और आपका वेन्यू देख लीजिए कहाँ है, महादेवी वर्मा भंडार हिंदी लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको चले जाना है 10 बजे, ठीक है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें भी आपका सीरियल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नेम ट्रेड डीवी डेट और डीवी सेशन, तो आपका सारे लोगों का मॉर्निंग में दिया गया जैसे जैसे आपका यहाँ पे 9/7 से आपका डीवी डेट यहाँ पे शो कर रहा, पर यहाँ पे हमको लगता है प्रिंट हो गया, 9/7 9/8 होना चाहिए, ठीक है। क्या 9/8 होना चाहिए, यहाँ पे गलती से आपका 9/7 सारे में प्रिंट हो गया है, तो वो चीज़ आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक आपको किया गया, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9/7 से मंथ में आपका जुलाई था पर यहाँ पे अगस्त कर दिया गया, तो ये सारे लोगों का ऐसा नहीं सोचना है कि जुलाई में था वो पार हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो मिस प्रिंटिंग है वो आपको देखने को मिल रहा है। टोटल कैंडिडेट का बात करेंगे, इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन किया गया, तो यहाँ पे अच्छे खासे लोगों का 625 कैंडिडेट का सिर्फ एक डिवीजन से सिलेक्शन किया गया है। सोचिए बहुत बड़ी बात है, बहुत कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट डिवीजन का देखते हैं, तो अब आ गए हैं सबसे आपका हावड़ा डिवीजन पे, हावड़ा डिवीजन का वर्कशॉप पे, जो आपका यहाँ पे बताया गया है कि हावड़ा डिवीजन फॉर देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेम आपका वेन्यू वही है, ऑफिस ऑफ द वर्कशॉप पर्सनल ऑफिस ईस्टर्न रेलवे लीलुआ, लीलुआ का ही जहाँ आपका होगा वहीं आपका हावड़ा डिवीजन का भी होगा। इसमें भी आपका नेम रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका ट्रेड डीवी डेट और डीवी सेशन देखने को मिलेगा। बात करें टोटल कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कैंडिडेट के मुकाबले में माने तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, और बीच में आपको कुछ गैप देखने को मिल रहा था। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लोगों का मान कर चलिए 989 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, तो बहुत बड़ी मात्रा में ईस्टर्न रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा एक अपडेट आया, बहुत बड़ा खुशखबरी है आईटीआई वाले सभी कैंडिडेट के लिए जो ईस्टर्न रेलवे से फॉर्म अप्लाई किए थे। यहाँ पे कम से कम आपको बोले तो कितना 3366 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया था और इतना सीट आप फिलफिल हो जाएगा। तो चलिए इतना ही, बाकी का बात करें जो आपका मालदा का है, मालदा का आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा किनका सिलेक्शन हुआ है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।